दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल क्या हुआ ना कि यही वीडियो मैंने पूरा शूट किया था, एडिट किया एंड जब रात के टाइम पे अपलोड करना चालू किया मैंने, तो अपलोड में 100% पूरा हो गया था। प्रोसेसिंग के लिए मेरे ख्याल से 20 से 25 सेकंड का टाइम लगता है एंड उसी टाइम मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, मतलब गैलरी से डिलीट कर दिया एंड प्रोसेसिंग उसी पे रुक गई। अब आधे घंटे तक मैंने वेट किया, नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि दूसरे वीडियो डिलीट करने के चक्कर में मैंने गलती से उसे डिलीट कर दिया था एंड फिर बाद में लफड़े हो गए। मुझे फिर से शूट करना पड़ा है आज और एडिट करके आपके सामने डाल रहा हूँ। OnePlus Nord N10, इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। 5G फोन आने वाला है, ये बहुत पहले से लीक होने लगा है। मतलब जब Nord आया था ना, उसके बहुत पहले से इसके लीक्स आने चालू हो गए थे कि 690 जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन का 5G वाला, उस पर कोई फोन आने वाला है। उसके बाद वो भी आया था कि 18W का चार्जर आने वाला है। सारी चीजें बताऊंगा, क्या चीजें इसके बारे में पता चली हैं, और पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। दोस्तों चलते हैं तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, आ सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, दिन में 200 से 250 लोगों को मैं आंसर देता हूँ। लिटरली इतने लोग चैट करते हैं मुझसे, अगर आपको करना है तो आप भी आ जाइए। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे आंसर ले सकते हो, मैं ऑन द स्पॉट आंसर देता हूँ। एक आध घंटे कभी कभार लेट हो जाते हैं क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, खाने पीने जाता हूँ। चलिए, इसके लीक्स और इसके सारे स्पेसिफिकेशन, नॉर्मली 70-80% स्पेसिफिकेशन आ गए हैं जो कि सामने, एंड कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बुरी बात मुझे ये लगी कि ये US मार्केट्स के लिए कहा जा रहा है होगा, इंडियन मार्केट्स के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पॉसिबली होप कि आए, लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन आया नहीं है कि ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा कि नहीं। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो कहा जा रहा है कि $400 के आसपास लॉन्च होगा। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 के आसपास होता है। लेकिन अगर आप Nord की तरफ देखोगे जो कि 34-35,000 के आसपास वहां पे लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे आपको 25,000 से उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी कम प्राइस पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.49 इंच का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले मिलने वाला है। वो कहा जा रहा है सिंगल पंच होल होगा, अभी पता नहीं चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिंगल पंच होल होगा एंड सुपर एमोलेड का पैनल होगा। पॉसिबली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा। HDR10 का सपोर्ट शायद दे, अगर 20,000 अबव होगा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि दे। दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होगा, देन उसके साथ रियर साइड पे क्वाड कैमरा का सेटअप होगा और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जैसे वन प्लस देता है। 3.5mm जैक नहीं होगा, आई विश, क्योंकि नहीं देता वन प्लस, आई विश की दे दे, लेकिन बहुत कम चांसेस लग रहा है। डिजाइन और डिस्प्ले देखने में अच्छा लगेगा, स्मार्टफोन अच्छा होगा दोस्तों। अब आते हैं चिपसेट की तरफ, तो इसमें स्नैपड्रैगन 690 जो 5G वाला चिपसेट है वो आने वाला है। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, बिली के नाम से आया हुआ था, पता है बहुत ज्यादा सारे जगह पे वो हुआ था। हाँ, स्कोर की बात करें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 6 सीरीज का अगर चिपसेट है तो उसका स्कोर बहुत ज्यादा ज्यादा 1,80,000 1,70,000 के आसपास आएगा या 2,20,000 तक जाएगा। इसका स्कोर 2,60,000 तक जाता है, 2,60,070, यानी आप स्नैपड्रैगन 730 और 720 से कंपेयर कर सकते हो। और इवन 5G भी है तो 5G रेडी रहेगा। एड्रीनो 619 है इसके अंदर, जो कि आपको गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी तरह संभाल लेगा एंड सारी चीजें आप कर पाओगे, तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, जो कि उनका खुद का ऑक्सीजन 11 है उसके साथ आने वाला है, यानी आई विश कि ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होगा, कोई ज्यादा ब्लोटवेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे एंड परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से अच्छा होने वाला है दोस्तों। रियर कैमरा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकला है कि इसमें आपको 64 MP का क्वाड कैमरा होगा, पॉसिबली सोनी IMX682 होगा। दूसरा वाला सेंसर 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, बाकी दो सेंसर जो है 2-2 MP के मैक्रो और डेप्थ होंगे। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, बोके पैनो में HDR सब कर लोगे, पॉसिबली आपको OIS मिल जाए क्योंकि OnePlus देता है। एंड फ्रंट साइड के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे आपको 32 MP का कैमरा मिल सकता है, वही सोनी IMX616 वाला जो कि Nord में दिया हुआ है। कैमराज डिसेंट होंगे, पॉसिबली आप बुके पैनो में HDR सब कर पाओगे सारी चीजें एंड जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बैटरी की बात करते हैं, 4100mAh 4200mAh यही होने वाली है, इससे ज्यादा बैटरी आपको नहीं मिलेगी, ज्यादा इससे एक्सपेक्ट मत करना। देन उसके साथ आपको 18W का पॉसिबली चार्जर मिलेगा, क्योंकि वो लिस्ट हुआ था तो लोग कह रहे थे कि 18W का चार्जर रहेगा। इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया इसके बारे में, लेकिन पता चल रहा है कि 18W का चार्जर इसमें मिल सकता है। टाइप सी का पोर्ट होगा एंड बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। बैटरी मेरे ख्याल से 4100mAh का होगा एंड उसके साथ आपको 18W का चार्जर मिलने वाला है। सेंसर्स की बात करते हैं, 3.5mm जैक नहीं होगा, बाकी सारे मिल जाएंगे। एक्सेलेरोमीटर, हाइट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो सारे मिल जाएंगे। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने के चांसेस हैं। फेस अनलॉक अच्छी तरह काम कर लेगा, वो भी मिल जाएगा आपको। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट होगा
एंड जितने भी सेंसस होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, कोई भी इश्यूज सेंसस के डिपार्टमेंट में नहीं आने वाला है दोस्तों। कार्ड स्लॉट नहीं होगा, याद रखना, आपको एक्सपांड नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो जो भी होगा वो बेस वेरिएंट होगा। अब वन प्लस नॉर्ड में 664 बेस था, तो इस बार शायद थोड़ा अच्छा करके 6128 से शुरू करें तो देखने वाली बात होगी। एंड कहा भी जा रहा है कि दो वेरिएंट आने वाले हैं, 6128 और 8128, वो देखेंगे जो आएगा, वैसे उसके बारे में बता दूंगा। और कहा जा रहा है कि ये यूएस मार्केट्स के लिए होगा, अब उसके बाद अब इंडिया आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि यूएस मार्केट्स के लिए होगा, स्पेशली वहीं पे पहले लॉन्च होगा, उसके बाद बाकी सारे देखेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मेरे ख्याल से 20,000 से 25,000 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 25,000 से शुरू होता है नॉड, तो इसकी प्राइसिंग जो होगी 20,000 से 25,000 के बीच में होगी, जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। तो क्या आप वेट कर रहे हो नॉड N10 का? मेरे हिसाब से इसका नाम वन प्लस N10 या वन प्लस नॉड 10 होने वाला है, तो N है ना, उसका मतलब मेरे ख्याल से नॉड ही है शायद, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से बुला रहे हो, देखेंगे जो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका नाम या तो वन प्लस N10 होगा या तो वन प्लस नॉड 10 होने वाला है। देखते हैं 5G फोन होगा, जैसे आएगा उसके बारे में बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे पता है कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट का कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो घंटे में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, और हाँ इंस्टाग्राम पे आ जाओ अगर कुछ चैट करना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं करने सब दोस्तों।